हर गोविंद नमान रोवा, हर गोविंद नमान रोवा, तार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया, तार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवान रोवा, हर गोविंद नवान रोवा। मेरा सत गुर रखवाला होवा, मेरा सत गुर रखवाला होवा, तार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवान रोवा। ते आहा गुरद्वारा साहिब दा इतिहास है जी, तुहानू एक वारी पढ़ के सुना दिंदे आ, ते बाकी तुसी आप भी देख लिओ। जदों श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पिंड खुराणे पहुँचे तां पिंड दे लोकां ने गुरु जी नूं जल पाणी भी ना पुछिया, तां गुरु जी ने खेतां वल चाले पा दित्ते जिथे अजकल पुरातन बेरी मौजूद है। इस बेरी थले गुरु जी बैठ गए तां इक सियाणी माई करमो ने सोचिया कि इह पूर्ण महापुरख जापदे हन, तां माई करमो दुध दी तोड़ी लै के आई ते गुरु जी नूं बेरी हेठ सिखां समेत दुध छकाया। गुरु जी ने खुश हो के दुध पुत दा वर दिता अते वचन किते कि जो भी मनुख श्रद्धा नाल इस स्थान ते अरदास करवावेगा तां उस दियां मनोकामना पूर्ण होणगियां। ते इत्थे जी वर मिलिया होया है गुरद्वारा साहिब नूं दुध दे पुत दा, है ना। ते इत्थे आए सी छेवें पीर, है ना। इत्थे मतलब उन्हां दा बेरी पिछे रह गई गुरद्वारा साहिब दी, ते इधरले पासे सरोवर आ गया, तो इतने सरावं भी ने, ते मतलब रात में जो रहने का भी बंदोबस्त बा काफ़ी वधिया है। तो सरावं सानू हजे तक तो इधरले पासे वॉशरूम वगैरह ने सामने, तो जोड़ा घर इधरले पासे आ जोड़ा घर रहेगा, तो यह मेन एंट्री है गुरद्वारा साहिब की। तो लोकेशन असी यदि गूगल मैप की दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चैक कर लियो, काफ़ी सुकून मिलता आके इतने।